बिहार के दरभंगा शहर में एक बार फिर से चोर और डकैत का भयंकर आतंक, शहर के बीचों बीच 2.5 करोड़ की चोरी। जी हां दर्शकों, दरभंगा में लगातार चोरी और डकैत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दरभंगा शहर अब चोरों का अड्डा बन चुका है, जहां पर चोर और डकैत के दिलों में पुलिस प्रशासन का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसीलिए आए दिन चोरी, डकैती और लूटपाट जैसे कांड को अंजाम देना अब दरभंगा शहर में आम बात हो गया है। दर्शकों, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हंगर हैकर रेस्टोरेंट फूड फॉर एवरीवन, स्वाद ऐसा कि एक बार खाएं तो बार बार आएं। जामा मस्जिद के निकट टावर चौक दरभंगा, विभिन्न पार्टियों समेत हर आयोजन के लिए खास। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आकिब जया और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल का सबसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल दरभंगा लाइव। जी हाँ, ये बड़ी खबर दरभंगा शहर के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर क्षेत्र से आ रही है, जहाँ पर मिथिला कॉलोनी स्थित बालाजी एजेंसी में चोर शनिवार की देर रात दुकान की दीवार तोड़कर करीब 2 से 2.5 करोड़ों का माल चोरी कर फरार हुए। वहीं पर चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के DVR के साथ साथ कई कंप्यूटर के सामान तक को नहीं छोड़ा, वो सारे सामान लेकर हुए फरार। तो दृश्य में दरभंगा लाइव की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामान जो है दुकानों में बिखरी पड़ी हुई है। यहाँ पर इधर दुकानदार के मालिक ने इस मामले पर दरभंगा लाइव की टीम से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सर, लक्ष्मी सागर में मेरा गोदाम है, उसमें चोरी हो गई है रात को, ठीक है, जिसमें दवा का आइटम सब रहता था, विड्रॉल वगैरह का और एयरपोर्ट का, इसीलिए हम आवेदन किया है। गेट और दीवार टूटा हुआ है, उसी में देख सारा माल गायब है, सारा माल ख़त्म है, कुछ ने कंप्यूटर वगैरह सब ले गए हैं। सीसीटीवी तो हो गई, सीसीटीवी भी ले गया। कितने का सामान चोरी था? लगभग 2.5 करोड़ का। क्या सब था उसमें आपका? उसमें डिटॉल का सम आइटम है, मूव क्रीम, एबॉट हेल्थ केयर, पीडियासी और सी मिला के वगैरह, ये सब। आपके गोदाम में कितने लोग काम करते हैं? लगभग 8-9 लोग। क्या उन पर कोई शक है आपको? नहीं नहीं, उन पर क्या लगता है आपको? क्या लग, कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, कितने दिनों से है वहाँ पर? लगभग तो 5-7 साल से। कितने दिनों से व्यापार करते हैं? मैं तो 20 साल उसका। सुरक्षा के नाम पर वहाँ कुछ लगाए हुए थे आप? कोई कैमरा लगाए थे, कैमरा तो ले गया। कैमरा ले गया, किस चीज़ का गोदाम था आपको? दवा आइटम। दवाई, क्या नाम है आपका? एन के हॉबी। कहाँ घर हुआ? बहरहाल दुकानदार के मालिक ने इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और ये मामला शिकायत के रूप में पुलिस में दर्ज करा दी गई है। मकान मालिक का पुत्र हम लोग को फोन किया कि आपके यहाँ दीवार टूटा हुआ है, चोरी हो गया, आए शटर खोल के देखे तो कोई माले नहीं होने, लगभग 2.5 करोड़ का लगभग का माल था। हम लोग का काम था रैकेट का, एबॉट हेल्थ केयर का, न्यूट्रिशिया का, यूनिचार्म का, सनराइज का, बेम्बिनो का, जिसका पीडियाश्योर, प्रोटीन एक्स, ओलिव ऑयल, ये सब आता था, पूरा गोदाम भरा रहता था। इस गोदाम में आज के रेट में कुछ नहीं है, सारा माल खाली है। शिकायत किया इसका? हाँ, हमने थाना पर शिकायत किया, आवेदन दिया है, सामने बुलाया है थाना प्रभारी, जिसमें कम से कम 3-4 गाड़ी से कम माल नहीं ले गया। क्या आपको कोई शंका लगती है? हमको कोई शंका, किसी किस पे शंका करेंगे, हम लोग तो सो रहे थे घर में, आज तक 25 साल में कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। ब्यूरो रिपोर्ट टीम दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।